इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि अगर एक पत्थर भी उठाया जाए तो उसमें से इतिहास की खुशबू मिलेगी। यहाँ जिस वंश ने राज किया वो अपनी निशानियां छोड़ गया। लेकिन बात सिर्फ बादशाहों और उनके वंशों की नहीं है, दिल्ली का इतिहास सदियों पुराना है। जब आप दिल्ली के किलों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले लाल किले का ख्याल आता है, जो दिल्ली की पहचान बन चुका है। लेकिन दिल्ली में ही एक और ऐतिहासिक किला है, पुराना किला, जो लाल किले के कद के सामने बौना सा लगता है। ऐसा माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत के नायक पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। महाभारत के अनुसार पांडवों ने यमुना किनारे एक खतरनाक जंगल की कटाई की थी। उस इलाके को उस जमाने में खांडव प्रस्थ कहा जाता था। पांडवों ने उसी जगह पर एक सुंदर नगरी बनाई और इंद्र देवता के नाम पर उसका नाम रखा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ नगर की चकाचौंध को देखकर ही कौरवों के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई थी, जो आगे चलकर एक महायुद्ध में बदल गई। सन 1954 में जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल महाभारत में बताई गई जगहों की खुदाई की मुहिम पर निकल पड़े। उन्होंने पुराने किले में भी खुदाई करवाई, जहां उन्हें पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के निशान मिले। इसी तरह के निशान महाभारत में बताए गए लगभग सभी स्थानों पर मिले हैं। इसी आधार पर लाल मानते हैं कि पुराने किले के इलाके में ही पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आज जो पुराना किला आप देख रहे हैं वो मध्य युग के दौर का है। पुराने किले के बारे में हमने बात की लेखक और इतिहास के जानकार विक्रमजीत सिंह रूपराय से। पुराने किले का जो इलाका है, कहा जाता है कि ये सबसे पुराने इलाकों में से एक है दिल्ली में। जितनी भी एक्सकेवेशंस हुई हैं, खुदाई हुई है पुरातात्विक, उसमें एक बहुत ही मेजर साइट है पुराने किले की, और कुछ इलाका अभी भी ओपन है पब्लिक के देखने के लिए। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे कौरवों से, उनमें से एक गांव खांडवप्रस्थ था, जो कि ये इलाका कहा जाता है। और बहुत सारे हिस्टोरियंस ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी लिखा है। बीआर मनी बीबी लाल जी ये कहते हैं कि यहाँ एक नागा ट्राइब रहा करती थी, तो ये कहते हैं कि यहाँ सांप बहुत ज़्यादा थे। और महाभारत में भी जिक्र आता है कि नाग मेध यज्ञ किया गया था। तो जितने भी इस इलाके, जिस इलाके को उन्होंने अपनी राजधानी बनाना चाहा, वहाँ सांप बहुत थे, तो उसमें सांपों की जो बामियाँ थी उनमें गर्म तेल डाल के नागमेध यज्ञ किया गया था, और उसके बाद उस इलाके को जो है बसाया गया था, खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बनाया गया था। तो कहते हैं ये वो इलाका है। इसके अलावा अंदर एक बहुत पुराना मंदिर है जिसे कुंती देवी का मंदिर कहा जाता है। वो बिल्डिंग मुगलों के टाइम की है, एक सेठ ने वो बिल्डिंग बनवाई थी, जो आज भी मौजूद है। एक बावली है, एक मुगलकालीन हमाम है इस किले के अंदर। तो ये कुछ बिल्डिंग है जो आज भी हम देख सकते हैं। कहानी चली आई जब यहाँ पर इंद्रप्रस्थ या इंद्रपत नाम से गांव बसा, तो लोगों ने ये कहा कि क्योंकि ये पांडवों की जगह थी तो उन्होंने एक वहाँ पर एक मंदिर स्थापित कर दिया। कोई पुरानी ईंट पुराना पत्थर वहाँ नहीं है, जो हमें आज की तारीख में दिखता है वो तो मुगलकालीन ही है। मध्य युग में दिल्ली की सल्तनत के कई केंद्र रहे, जैसे मेहरोली, तुगलकाबाद, सीरी और फिरोजाबाद। सन 1504 में सुल्तान सिकंदर लोदी अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले गए। सन 1526 में मुगल बादशाह बाबर के आने के बाद भी राजधानी आगरा ही रही। लेकिन बाबर के पुत्र हुमायूं ने सन 1533 में इस स्थान पर दीन पनाह के नाम से एक नया शहर बसाया। सन 1540 में अफगान जनरल शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया। शेरशाह ने शेरगढ़ नाम से अपना नया शहर बसाया। देखिए, मुझे लगता है शेरशाह सूरी कुछ समय के लिए ज़रूर रहे होंगे, लेकिन वो तो हमेशा लड़ने के उसमें थे। शेरशाह सूरी ने जितना इलाका फतेह किया, जिस तरीके से वो भागते दौड़ते रहे हैं, खानाबदोशों की तरह जितने भी पुराने फौजी राजा हुए हैं वो कनात में, टेंट में रहा करते थे। तो अगर वो यहाँ रहे भी होंगे, क्योंकि पुरानी कोई महल नुमा बिल्डिंग हमारे पास अब नहीं है, सो अगर उन्होंने बनाई नहीं बनाई इसका हमारे पास कोई जिक्र भी नहीं है। जो पुराना किला आप देख रहे हैं वो शेरशाह ने ही बनवाया था।
जो चार दीवारी अब हम यहाँ देख रहे हैं वो शेरशाह सूरी के टाइम पर बनाई गई थी और उसका नाम उन्होंने शेरगढ़ रखा था उस समय। आगे चल के इसका नाम जो है वो किला कोहना यानी कि पुराना किला पड़ गया। अभी इसके अंदर जो इमारतें मौजूद हैं, एक हमारे पास किला कोहना की मस्जिद है, हमारे पास शेर मंडल है, तीन पुराने दरवाजे हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, हुमायूं दरवाज़ा है, बड़ा दरवाज़ा है, तलाकी दरवाज़ा है, जो छोटे और खिड़कियां दरवाज़े बाहर कुछ यमुना की तरफ और कुछ दूसरी तरफ निकलते थे उन्हें बंद कर दिया था अंग्रेज़ों के टाइम पे, बंद कर दिया गया था। सन 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई। 10 साल बाद यानी 1555 में हुमायूं ने दोबारा अपनी गद्दी को हासिल कर लिया, लेकिन ये बदलाव थोड़े समय के लिए ही रहा। कुछ दिनों बाद ही हुमायूं किले के अंदर बने शेर मंडल की सीढ़ियों से फिसलकर गिरे और दुनिया से विदा हो गए। बादशाह हुमायूं जो है वो जब फाइनली लड़ाई के बाद राजा हिमू को हरा के उन्होंने पुराने किले से अपने जो अपना जो राज था वो फिर से शुरू किया भारत के ऊपर, तो कहते हैं जो शेर मंडल जो बिल्डिंग है उसके अंदर उन्होंने अपनी लाइब्रेरी बना ली थी और उसके ऊपर की मंजिल पे दो मंजिला इमारत है, 8-sided, 8-sided, तो उसके ऊपर वो छत पर खड़े थे और उन्हें मस्जिद से जो है अजान सुनाई दी। जैसे ही अजान सुनी वो उतरने लगे ही थे उस समय, तो वो जिस सीढ़ी पर थे, एक दो सीढ़ियाँ अगर शायद वो उतर चुके थे, वो वहीं बैठ गए नमाज़ पढ़ने के लिए। और नमाज़ पढ़ते वक्त वो बीच में जैसे खड़े हुए और फिर बैठे, तो उनके अपना जो उनका चोला था वो पैर के नीचे आ गया और वो फिसल गए, उससे लड़खड़ा गए, गिर गए, काफ़ी खून बहा। जब वो बाहर आके गिरे उनको लोगों ने फटाफट उठा लिया, ले जाकर हकीम ने, वैद्य ने उनकी दवा दारू शुरू की, बेहोश हो चुके थे। 1556 की जनवरी की बात है, करीब 6-7 दिन तक वो इस हालत में रहे, उन्हें होश नहीं आया और बहुत ज़्यादा जब खून बह गया तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जो रिकॉर्ड्स मुझे मिले हैं उसके हिसाब से उन्हें यहीं दफना दिया गया था जब तक कि हुमायूं का मकबरा बनकर तैयार ना हुआ। तो जैसे ही वो तैयार हुआ उन्हें यहां से उस कब्र को जो यहां पर दफनाई गई थी किसी जगह पर वो खोदी गई और फिर जिस दरवाजे से उनको लेकर मकबरे तक गए उस दरवाजे का नाम भी हुमायूं का दरवाज़ा पड़ गया। हुमायूं के पुत्र और उत्तराधिकारी अकबर ने आगरा और फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बना लिया और दीन पनाह उजड़ गया। जब मुगल बादशाह शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया तो उसने अपने लिए एक नया शहर शाहजहानाबाद बनवाया। शाहजहां का बनवाया लाल किला इतना मशहूर हो गया कि पुराना किला गुमनामी में खो गया। देखिए मुगलों के दौर में यहाँ पर लोग रहने लग गए थे, बाकायदा बस्ती बसी थी, उसे इंद्रपथ नाम दिया गया था और जो लोग यहाँ रह रहे थे उसके हमारे पास कई रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अंग्रेज़ों के टाइम पे इन गांवों में से कुछ हिस्से को हटा दिया गया था, हमाम जो है वो अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है और बल्कि यहाँ पर जो कूड़ा घर था जब उसे खाली किया गया तो पता चला वो तो बावली थी, दिल्ली की गहरी बावलियों में से एक। और ये गाँव के कुछ लोग, कुछ घर मौजूद थे करीब 25-30 साल पहले तक, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जब उन्हें भी यहाँ से हटाया उसके बाद सिर्फ एक मंदिर उस जमाने का बचा हुआ है जो कि आज भी मौजूद है, पंडित जी वहाँ पर भी रहते हैं, बाकी सब लोग यहाँ से बाहर जा चुके हैं। सन 1804 में जब दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तब पुराना किला अंग्रेज सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया था। उस जमाने की पेंटिंग्स और तस्वीरों को देखकर लगता है कि पुराना किला कितना मशहूर हो गया था। जितने भी अंग्रेज़ हिस्टोरियंस, राइटर्स और ट्रैवलर्स आए हैं उन सब ने पुराने किले का जिक्र ज़रूर किया है। शाहजहानाबाद से निकल के दिल्ली तक जाने के लिए जैसे कि वो मेंशन करते थे तो उन्होंने बाकायदा डिटेल्स दी हैं। गाइड टू न्यू दिल्ली एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, अ डे इन न्यू दिल्ली, अ डे इन दिल्ली, इस तरीके से मॉडर्न दिल्ली करके, शाहजहानाबाद को मॉडर्न दिल्ली कहते थे वो, तो उन्होंने बताया कि आप कहाँ से टांगा लीजिए, कितने पैसे वो लेगा, तो एक दिन का या आधे दिन का सफ़र करके पहले निकलते ही वो फिरोजशाह कोटला रुकना है और फिर आधे दिन का सफ़र करने के बाद कुछ घंटे का आप पुराने किले पहुँचेंगे। कईयों ने कहा पुराने किले में रात बिताइए, तो जाहिर है कि अंग्रेज़ों के टाइम पे या तो यहाँ कोई गेस्ट हाउस या कोई ऐसा अरेंजमेंट ज़रूर होगा कि उन लोगों ने इसको प्रिस्क्राइब किया कि यहाँ रुकने के बाद फिर अगले दिन का सफ़र आप कुतुब मीनार वाला जो इलाका है वहाँ तक कीजिए, जिससे कि आपको फिरोजशाह कोटला और ये इलाका देखने को भी मिल जाए। तो उसमें उन्होंने डिटेल दी कि आसपास के जो मकबरे, मस्जिदें हैं, यहाँ एक हिजड़े का गुंबद हुआ करता था बाहर यहाँ से कुछ दूर, खैरुल मनाजिल आज भी मौजूद है, काका नगर जिस इलाके को अब हम कहते हैं वहाँ कुछ मकबरे थे, तो वही सारा घूमने की सलाह देते हैं। हुमायूं का मकबरा वो इसमें शामिल करते हैं, तो वो यहाँ रुकने की सलाह उन्होंने, अंग्रेज़ों ने अपने रिकॉर्ड्स में दी है। सन 1947 में देश के विभाजन के दौरान भी पुराना किला काफी चर्चाओं में रहा। पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों के लिए रिफ्यूजी कैंप पुराने किले में ही बनाए गए थे। आज पुराना किला
स्मारक की हैसियत से ASI के अधीन है, लेकिन आज भी ये दिल्ली के प्राचीन इतिहास को उजागर करने वाले सवालों के परत दर परत जवाब दे रहा है।